हम लोग की जिंदगी ना एक तरह से हराम हो गया है जीना, अगर हम यूट्यूब छोड़ देंगे तो। देखिए तरकुल का पेड़ है इस साइड में, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि अपना बिहार समस्तीपुर वाला सीन है ना देवी जी। गाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पेड़, और ऐसा लग रहा है कि बिहार में और इसके अंदर जो कुछ फल निकलता था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते बहुत अच्छे, खुश रहिए। आज का एक बैड मॉर्निंग के साथ हो गया हमारे साथ, यानी बैड न्यूज हो गया है। हमारा जो मेन फ़ोन है जिससे हम लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते हैं, वो हो चुका है ख़राब। बार बार चार्जिंग में लगा रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि उसमें बैटरी हो जाता है और डाउन, बैटरी डाउन यानी 20% पे होता है, फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से चार्जिंग में लगाने के बाद ऑन होता है। आज तो काफ़ी देर हो गया है, कम से कम 3 से 4 घंटे से मॉर्निंग के 6-7 बजे से लगा रखे हैं, फ़ोन जो है स्विच ऑफ से ऑन ही नहीं हो रहा है। ये क्या प्रॉब्लम है? वन प्लस का फ़ोन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, या फिर हमको केयर ले जाना होगा, वहाँ पे दिखवाना होगा दोस्तों। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो देखो मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन जो है ख़राब हो चुका है, और ये मेरा फ़ोन में वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, है ना। ये देखिए दोस्तों, इनके फ़ोन से जो है वीडियो एडिटिंग चल रही है। एक्चुअली बात यह है ना दोस्तों कि अब फ़ोन जो हमारा वन प्लस वाला खराब हो गया है, दुख तो बहुत रहा है, लेकिन भाई साहब 3 साल से फोन यूज किए तो उस फोन का क्या हालत होगा, है कि नहीं? गाइस तो सुबह से हम अपना फोन थोड़ा सा भी चलाने के लिए नहीं पाए हैं, बस बस एडिटिंग हो जाए तो दे दे। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं कह रही हूँ भगवान जी इनका फोन जल्दी सही हो जाए ताकि मैं अपने फोन में वीडियो देखूँ, पिक्चर। दोस्तों अभी मस्त खाना खा रहे हैं, रात की सब्जी अभी चावल गर्मा गर्म बना है, हमारी देवी जी खाना खिला रही है, और साथ ही साथ जैसे तैसे करके हमारा फोन जो है स्विच ऑफ ऑन हुआ है, ठीक है। वो भी कब बंद हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। वीडियो 36% बैटरी बचा हुआ है और अपलोड अभी तक हो रहा है दोस्तों, हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि जीमेल, पासवर्ड, चैनल वगैरह सब कुछ इसी फ़ोन के अंदर में है, तो इसीलिए इसी से अपलोड कर रहे हैं। है तो आईफोन वाला में भी, लेकिन इसमें साथ ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता आईफोन वाला में, ठीक है। जैसे कि एडिटिंग करने का ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया फीचर नहीं दिया हुआ है, काइन मास्टर को फिर से बाई करो, बाई ऑलरेडी करके रखी हो 2600 रुपये का, इसमें तो फिर पैसा बर्बाद हो जाता है, समझिए। तो एक तरह से फ़ोन समझिए डैमेज ही हो गया, बार बार स्विच ऑफ होता है तो ऑन नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले ऑन हुआ है दोस्तों, तो इस फ़ोन में एडिटिंग की है देवी जी के फ़ोन में, इससे ट्रांसफ़र करिए कर लिए, उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें अपलोडिंग पे लगा दिया दोस्तों। हाँ अभी एक ऑर्डर आया दोस्तों, इसमें देखते क्या है, देखो क्या है उसके अंदर, आप चेक कर लो। पावदान वाला है ना आपका? हाँ हाँ वही, उसी को कुछ भी बोल रहे हैं, समझ जाओ वही। बड़ा परिश्रम के साथ में हमने यहाँ पे सेट किया है, ये कपड़े से बांध करके, ठीक है। और ये है मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए, या गाड़ी चलाते वगैरह अगर रील वगैरह शूट करना हो तो उसके लिए, या फिर लोकेशन देखने के लिए सबसे बेस्ट है। और सबसे सस्ता प्राइस में मिला दोस्तों, मात्र 400 रुपये का मिला था, ठीक है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आ गया था 2 दिन के अंदर में दोस्तों। तो फिलहाल अभी सेट कर दिए अच्छे तरीके से, अब इसका टेस्टिंग करने के लिए हमें जाना होगा कोई बढ़िया सा जगह पर, वहाँ पर मस्त शूट करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल अभी हम रेडी हो गए हैं, देखो ज़रा इधर। हाँ हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समय निकलता जा रहा है बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है बहुत। अभी दोस्तों जाना था रील शूट करने के लिए, बट क्या ही बोले लेट हो गया, 6 बज गया यहीं पे। अब पहुँच पाएंगे तो कर पाएंगे, वहाँ पे नहीं तो फिर अंधेरा ही हो जाए, क्योंकि काफ़ी दूर वो भी रास्ता पड़ता है जहाँ पर हम शूट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे रास्ते में ट्रैफिक होगा, फोन झरझर झरझर करता है कहीं नहीं, यहाँ पे अपने मोहल्ले के, अपने मोहल्ले में तो और रास्ता ठीक नहीं है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, वो हिलने लगते हैं। इसका ट्रायल लेना था तो अभी चलते हैं मेन लोकेशन पे दोस्तों। फिलहाल हम तो दोस्तों अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं ये कैसा चल रहा है, क्योंकि भाई साहब इतना हिल रहा है ना ये कि ये देखिए कितना थर 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 काँप रहा है। अब इसको जो है ऐसे ऐसे हाथ से, अरे दादा हाथ से पकड़ेंगे तब जाके हो पाएगा कुछ। ये हमने स्टैंड लिया है भैया, 400 रुपये का स्टैंड इसमें लगाए हैं, ठीक है। 1.5 लाख वाली स्कूटी में कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, लेकिन आप अच्छा, अच्छा बन रहा, नहीं तो ये भी खराब हो जाता। दोस्तों सही है, हम मैं कसम से बता रहा हूँ ना, मतलब इसकी रिव्यू अभी मैंने चेक किया, ये कितना बेकार हिलता है पूरा बाइक पे और कांपने लगता है ना। मेरे ख्याल से हम लोग को उस अंदर में चलना चाहिए तो शायद अच्छा सूट होगा, है ना। हाँ हाँ वो जो गैया जो खड़ी है, अगर रास्ता हो तो, रास्ता हो तो,
यही है दोस्तों, बस गांव में अभी साइड में आए हुए। भैया साइड से निकल जाइएगा आप, रास्ता है सही बताओ। अच्छा अंदर चलते हैं ना। तो दोस्तों इसकी ये रिव्यू है, बहुत बेकार है, मोटो ब्लॉगिंग के लिए तो बहुत बेकार है दोस्तों। ये इतना हिलता है ना, इतना थर थर कांपता। मोटो ब्लॉगिंग, मोटो तुमको नहीं बोल रहे, मोटो ब्लॉगिंग को बोल रहे। अभी गांव के साइड में हम लोग आए हुए खेतों में, ये स्टैंड पूरा कैप्चर करता है। रे बाबा ये देखिए, ये गाइस तो देखो हम लोग लोकेशन पे आ गए वीडियो शूट करने, और ये हमारा प्यारा सा डॉगी है नकली वाला। तो देखिए तरकुल का पेड़ है इस साइड में, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि अपना बिहार समस्तीपुर वाला सीन है ना देवी जी। और वो देखो पीला पीला फल भी है जो आप खाते थे। हाँ वहाँ गाँव में खाते थे, ये देखो फल है इसके ऊपर में। तो फिलहाल अभी दोस्तों हम लोगों ने शूट खत्म कर लिया, अभी मस्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पे, और ऐसा लग रहा है कि बिहार में और इसके अंदर जो कुछ फल निकलता था हस्बैंड जी खाते थे और वीडियो कॉल पे। हाँ वो तरकुल का फल होता है, तरकुल का पेड़ है ना इसलिए। बाकी ये एक चीज के लिए काम आया, कहीं पे खड़े करके रख दो तो वीडियो शूट हो जाए क्या जी। हाँ, एक जगह अच्छा वीडियो बनाओ तो आप लोग देखना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे जाइए फॉलो करिए, जाकर के देखिए, फेसबुक पे भी फॉलो करिए, वहाँ मिल जाएगा। वीडियो शूट करने के बाद हम लोग आगे गोलगप्पा खाने के लिए, इनका गोलगप्पा और गन्ने का रस बहुत फेवरेट है। इधर कहीं पे दुकान है नहीं गन्ने का रस वाला, भैया एक इन्हीं को खिलाइए आप। हाँ हाँ बहुत मजेदार बनाते हैं भाई सो कसम से। तो दोस्तों हम अभी अभी मार्केट से घर आ चुके हैं, सारा सामान ले आए हैं, और हस्बैंड जी देखो पीछे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दोपहर का जो चावल बचा हुआ था उसको फ्राई करेंगे कढ़ाई में डाल के, टमाटर वमाटर डाल के, और हस्बैंड जी ऑमलेट ले आए हैं, अभी चावल में मिला के खा लेंगे। और इनको देखो रास्ते में गए थे तो सांप देखे थे जिट्ठा, नहीं सही में भयानक सांप देखे हैं जाते हुए रास्ता क्रॉस। तो गाइस अभी देखो मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए चिज्जी लाए हैं, ये दूध लाए हैं क्योंकि रात में मुझे कब प्यास लग जाती है, और कोल्ड ड्रिंक लाए हैं ब्लैक वाली, और ये है ग्रीन वाली, और छेना रखा हुआ है, और मुझे तो मजा ही मजा है। अभी जाएंगे चावल भूजेंगे और खाएंगे, उसके बाद जा रहे हैं टीवी लगाएंगे देखेंगे, फिर इनको परेशान करेंगे। बिल्कुल दोस्तों अभी सच में हम सांप देखे मजाक नहीं कर रहे हैं। आज के प्यारा ब्लॉग को इन करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ, हम लोग की जिंदगी ना एक तरह से हराम हो गया जीना, पता है क्यों? यूट्यूबर का लाइफ इतना आसान नहीं होता है। अब क्या होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, कभी यूट्यूब का जो है ना क्राइटेरिया जो एनालिटिक्स होता है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। ऊपर नीचे जाने का मतलब क्या है कि व्यू कभी ऊपर उड़ जाता है, अगर अच्छी चीज़ें दे रहे हो आप, कोई चीज़ें बढ़िया करके दे रहे हो अपलोड कर रहे हो तो अच्छा चल जाता है, कोई चीज़ें कम चल रही हो तो पैसा कम जाएगा, ठीक है व्यू डाउन हो जाएगा। अभी देखना प्रॉपर ही हमारे चैनल पे बहुत सारे पहले क्या होता था व्यू अच्छा आता था, अभी थोड़ा सा डाउन आ जाता है, और ये हर क्रिएटर के साथ में बार बार होता है, तो ये फेस जो होता है ना बार बार झेलना पड़ता है। अब इसको लेकर के हम यूट्यूब छोड़ देंगे तो भाई ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमारी लाइफ की, क्योंकि मैंने इसी के लिए मेहनत किया है। और रेगुलरिटी में क्या है कि जो भी आता है 30,000-40,000 व्यू आता है, जिसकी वजह से जो भी पेमेंट बनता है वो भी यूट्यूब क्या करता है कट कर देता है और कम कर देता है, समझिए। तो शायद दिवाली वगैरह को लेकर के पेमेंट में बढ़े, तो यही बात आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी किसका किसका ऐसा होता है कमेंट करके बताना, बगल में से जाकर के फॉलो कर लीजिए अपना क्यों करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।